पीरियड्स। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है। सभी जानते हैं लड़कियां उम्र के एक पड़ाव में पीरियड जैसे नेचुरल प्रोसेस से गुजरती हैं। ये वो वक्त होता है जब एक लड़की को बॉडी में शदीद दर्द होता है और उसे इस वक्त में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। लेकिन केयर, ये तो बहुत दूर की बात है। पीरियड्स में उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे मानो उसने कोई गुनाह कर दिया। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट वुमनिया। चौपाड़ी प्रथा, आपने ये नाम पहले कभी सुना है? लेकिन जब मैंने ये नाम सुना और फिर इस प्रथा के बारे में जाना तो मुझे बहुत बुरा लगा। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर पीरियड्स के दौरान लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। नेपाल में इस प्रथा को चौपाड़ी प्रथा कहा जाता है। चलिए जानते हैं कि ये चौपाड़ी प्रथा आखिर है क्या। नेपाल के पश्चिमी इलाके में हिंदू आबादी ज्यादा है, इन इलाकों में चौपाड़ी प्रथा भी ज्यादा देखने को मिलती है। इस प्रथा में जिन लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उन्हें घर से बाहर एक झोपड़ी में रखा जाता है या जानवरों को रखे जाने वाले बाड़े में रखा जाता है। जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं उन्हें चौपाड़ी प्रथा के अनुसार 6 दिन तक झोपड़ी में रखा जाता है और जिन लड़कियों की शादी हो गई है और बेटा और बेटी दोनों हैं तो उन्हें 5 दिन तक झोपड़ी में रखा जाएगा। जिन महिलाओं को सिर्फ बेटी है उसे 7 दिन तक झोपड़ी में रखने का प्रथा। चौपाड़ी प्रथा में कुछ घर में एक ही झोपड़ी होती है, घर की महिला बारी बारी से उसका उपयोग करती है। तो कुछ घर ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ झोपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे घरों में अंदर ही एक अलग थलग कोने में महिलाओं को पटका जाता है। पीरियड्स के दौरान महिला घर का कोई सामान नहीं छू सकती, ना ही रसोई में जा सकती। लेकिन सवाल ये कि पीरियड्स को इतना अशुद्ध क्यों माना जाता है। नेपाल के पश्चिमी भाग से चौपाड़ी शब्द की उत्पत्ति हुई। यह प्रथा अंधविश्वास का ही एक प्रमाण है जिससे जुड़ा एक मिथ है कि भगवान इंद्र ने पीरियड्स को श्राप के रूप में बनाया, इसलिए इस दौरान नेपाल में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान अशुद्ध माना जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान जब कोई महिला पेड़ को छू लेती है तो वो पेड़ फल देना बंद कर देता है। लेकिन ये प्रथा एक लड़की या महिला को सिर्फ 6 या 7 दिन का दुख नहीं देती बल्कि कई लड़कियों और कई महिलाओं की जान ले चुकी है। साल 2017 में 19 साल की एक लड़की पीरियड्स के दौरान झोपड़ी में सोने गई और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। साल 2019 में 21 साल की एक नेपाली लड़की ने जब पीरियड्स के लिए बनी झोपड़ी में गर्माहट के लिए आग जलाई तो धुएं के चलते घुटन से उसकी मौत हो गई। झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं थी जिस कारण धुआं बाहर नहीं निकल सका और लड़की चौपाड़ी प्रथा की बलि चढ़ गई। अगर आप भी ऐसी किसी प्रथा के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे हमारे स्पेशल सेगमेंट वुमनिया। शुक्रिया।